हेलो क्रेजी पीपल, मैं हूं अमित। और भाई, जो कांच की बॉटल्स होती हैं, बेसिकली बियर की बॉटल्स, इनको हम दो टुकड़ों में काट सकते हैं भाई, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से, बिना किसी टूल का यूज किए हुए। जी हाँ, और ये बहुत इजी है, आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ में। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ, और आज की वीडियो के ऊपर लाइक्स का टारगेट है 5 लाइक्स का। जल्दी से जो लाइक का बटन है वो ठोक दो भाई, लाइक पूरा करो, आपका तो 1 लाइक ही बहुत कीमती है, जल्दी दबाओ। तो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, कैसी भी हम एक कांच की बोतल का यूज कर सकते हैं, और ये बोतल किसी भी कलर की हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ब्रांड की हो सकती है। और एक इस तरीके की हमको रस्सी चाहिए, हमारे पास में ये सूतली है, और इसको बोतल के ऊपर बांधना है एकदम टाइट करके। और जितना हमको काटना है ना, मान लो ये हिस्सा अलग करना है, ये अलग करना है, तो इतना दूरी पे बांधना है। यहाँ बांधेंगे तो यहाँ से कटेगी रस्सी को। मैंने एकदम टाइट, देखो, इस पे बांध लिया है। अब हमें जरूरत पड़ेगी भाई पेट्रोल की, थोड़ा सा ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले भाई सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कांच टूटने वाला है, और एक ड्रॉपर की मदद से हम लोग जो पेट्रोल है ना वो डाल सकते हैं रस्सी पे, पूरी रस्सी पे पेट्रोल डालना है। और अब लगानी है पेट्रोल के ऊपर आग। मैंने सेफ्टी ग्लव्स पहना है सेफ्टी के लिए, और ये कुछ इस तरीके से जलने लगेगा। अब इसको हमको घुमाते रहना है जिससे कि इवनली गर्म होए पूरा। और जो पेट्रोल है वो अब लगभग बुझ गया है, तो अब हमें चाहिए भाई पानी की एक बाल्टी या कोई भी बर्तन, और उसमें इसको डुबोना है। और आप लोग देखना, थोड़ा इसको हिलाते रहना, और थोड़ा इसको हिलाते रहना, और यहाँ पर आप लोगों के सामने जो बॉटल है उसके पीसेस हो चुके हैं, ये गर्म हो सकता है। तो भाई एक हिस्सा तो जो है कुछ इस तरीके से कट गया है ऊपर वाला, और जो दूसरा पीस है वो इसके अंदर आप लोग देखो पानी भर गया। लेकिन इसकी शेप देखो यार, एकदम क्लीनली कटा है। इसमें एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो जरूर थोड़ा नुकीला रह गया, इसको हम ग्राइंडर से साफ कर सकते हैं। लेकिन आप देखो कि बोतल जो है वो यहाँ पर क्रैक नहीं हुई, बोतल यहाँ पर फूटी नहीं। और भाई इसके अंदर एक टुकड़ा और पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमने रस्सी बांधी थी, देखो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन गिलास हमारा रेडी हो गया, ये बच गया। और भाई इस बार दो और बोतल्स में हम लोग सेम चीज ट्राई कर रहे हैं, इस पे भी आग लगा देते हैं। और अब जो दोनों बॉटल्स हैं वो बुझ चुकी हैं, तो इसको हम पानी में डाल सकते हैं फटाक से। और एक तो टूट गई, ये वाली नहीं हुई क्रैक, शायद इतनी गर्म नहीं हुई होगी। और भाई आप लोग देखो कि फिर से वैसा ही कुछ हुआ है, ये पार्ट थोड़ा गर्म है, इसको पानी में डुबो लेते हैं। और ये देखो कि फिर से हमारे पास में वैसा ही गिलास आ गया है, एक रिंग आ गई है। और आप लोग देखो कितना परफेक्टली जो बॉटल है वो कटती है, लेकिन ये इसका एज है ना, ये अभी भी थोड़ा चुभ सकता है, तो अब इसका इलाज करते हैं। और भाई अब यहाँ पर जो नुकीला हिस्सा था वो गायब हो गया है। इसको और स्मूथ करने के लिए हम जो है रेगमाल यानी कि सैंड पेपर का यूज कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर पैना है, लेकिन आप लोग देखो कि कितना मस्त शेप यहाँ पर कट गई है। इसको आप एज ए गिलास भी यूज कर सकते हैं इसको जो है, लेकिन उससे पहले थोड़ा घिसना जरूरी होगा। और आप इसको डेकोरेटिव आइटम की तरह भी यूज कर सकते हैं, देखो यार एकदम परफेक्ट गिलास जैसा ही तो ये लग रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो एक लाइक जरूर से कर देना, 5 लाइक्स का टारगेट है, वो जल्दी से पूरा करो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी मस्त मस्त वीडियोज के लिए ऐसी और चीजें मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।